जब 2014 के बाद भी जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें कम थी तब भी तेल की कीमतें बढ़ी है। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से पैसा मिला। सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो को पूछो कि चीन से पैसे क्यों लिए। उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी 23 करोड़ है 20,000 टेस्ट रोज किए जाएंगे, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में 20,000 रोजाना टेस्ट नहीं हो रहे हैं। जी हाँ, दान घोटाला, चंदे में भी घोटाला। फिर एक बार राहुल गांधी फाउंडेशन के चंदे पर सवाल उठा दिया। बढ़ी हुई कीमतें हम दें, नौकरियां हमारी जाएं, सब कुछ आम आदमी को ही करना है, सरकारें किस लिए होती हैं? भारत देश काफी संकटों से घिरा हुआ है, जैसे सीमा पर तनाव, गिरती अर्थव्यवस्था, कोरोना की मार और बेरोजगारी, पर हमारा मेनस्ट्रीम मीडिया किन्हीं और मुद्दों में ही व्यस्त रहता है। लोग उम्मीद करते हैं कि मीडिया बढ़ती महंगाई पर बात करेगा, बढ़ती बेरोजगारी पर बात करेगा, पर पिछले कुछ सालों से ये मुद्दे मीडिया में या तो कम देखने को मिलते हैं या फिर पूरी तरह से गायब ही हो चुके हैं। मेनस्ट्रीम मीडिया के अलावा सोशल मीडिया पर मीडिया एंकर्स और न्यूज चैनल ये असल मुद्दे उठाकर देश को सही स्थिति के बारे में बताते हैं। 29 जून को मेनस्ट्रीम मीडिया में अपने डिबेट्स में किन मुद्दों पर बात की, आइए आपको दिखाते हैं। आओ विपक्ष तुम्हें बताए, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। दंगल में आज की बहस है चीन का चंदा सियासत का फंदा, ये आज हम आपको दिखाएंगे लाइव। जी हाँ, आज के हमारे इस ब्रॉडकास्ट की खास बात यही कि घातक कमांडोस किस तरह से वार करते हैं, ये हम आपको तफसील से दिखाएंगे। तो मैं जो आपको कह रहा था ना कि कश्मीर से पाकिस्तान का बैकअप, या फिर ये नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नई कश्मीर नीति का एक बड़ा खौफ है, आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। पाकिस्तान के पाप को दुनिया के सामने लाना बहुत जरूरी है। ये मेरा सवाल है उस सेक्युलर जमात से जो कहती है कि ये देश सबका है। अगर वाकई सबका ये देश है तो राजधानी से 150 किलोमीटर दूर हिंदुओं पर ये अत्याचार क्यों हो रहा है? जी हाँ, जो अब तक पाकिस्तान में ही मुमकिन था वो भारत में होता देख किसी का भी दिल बैठ सकता है। इसके अलग अब उस मीडिया की बात करते हैं जो सरकार से सवाल करता है और जनता में असल मुद्दे देश के सामने रखता है, जिसे हम आजाद मीडिया भी कहते हैं। देखते हैं वह किन मुद्दों पर बात कर रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों का मुद्दा उठाया और कुछ अहम जानकारी भी दी। तेल कंपनियों ने 7 जून से रेट बढ़ाना शुरू किया था और उस समय पेट्रोल के रेट में 21 दिन इजाफा उसके बाद से लगातार किया गया। सरकार जब 2014 के बाद भी जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें कम थी तब भी तेल की कीमतें बढ़ी है। भास्कर को ही मैं बता रहा हूँ, अप्रैल 2014 में जब क्रूड की कीमत $105 प्रति बैरल के आसपास था तब दिल्ली में डीजल करीब ₹55 लीटर बिकता था। इसमें बेस प्राइस, किराया भाड़ा और डीलर कमीशन ₹45 था। इसके ऊपर सरकार ₹10 टैक्स वसूलती थी, यानी एक लीटर डीजल के लिए आप जितना पैसा देते थे उसका 18% सरकार वसूलती थी। 2014 की स्थिति थी। आज की स्थिति सुनेंगे तो बहुत चौंकेंगे आप। आज की स्थिति है लगभग 70% खर्च होता है डीजल या पेट्रोल के में, जो सरकार का एक्साइज ड्यूटी, सरकार का टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन। आज की तारीख में 70% तेल की कीमतों का 70% तमाम तरह के टैक्स और अदर चार्जेज में जाता है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन शामिल है। सरकार लगातार, अगर विपक्ष की बात करें तो लोगों की जेब से पैसा निकालकर खजाना भर रही। वहीं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी ने भी डिबेट के जरिए बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बीजेपी नेता से सवाल किए और जनता को होने वाली परेशानियों पर उन्हें टोका भी। कि टैक्सेशन का भी इसमें हिस्सा है। कितना हिस्सा है? टैक्स कलेक्ट कितना हिस्सा? सरकार का लगभग 55-60% का करीब, लेकिन स्टेट और सेंटर दोनों का। अपनी बात को देखिए, मुझे आपकी साफ गोई बहुत अच्छी लगती है। कोई और प्रवक्ता होता वो कहता बाजार तय कर रहा है, आपने मान लिया। अब मैं थोड़ा, एक मिनट गोपाल बाबू, दर्शकों को बता दूं, एक मिनट। अरे नहीं नहीं नहीं, आप जानते हैं ना, मैं फैक्ट्स जानता हूं, आप ये भी जानते हैं। अब मैं थोड़ा समझाता हूं कि थोड़ा हिस्सा सरकार का, थोड़ा नहीं है, कोरी गप है। और 50-55 या 60% नहीं, 70% तक। पिछले साल 70,000 करोड़ उस समय यूपीए सरकार का जो हर साल पे करना है, 2025 तक उन कंपनियों को इन्होंने जो ऑयल बाउंड लायबिलिटी खड़ी कर दी सरकार की, और वो बजट में प्रावधान तो मतलब कंपनियों पर आप लायबिलिटी नहीं खड़ी कर रहे, मेरी जेब में डाका मार रहे, यही कर रहे हैं ना। सरल भाषा में बात कहूं तो ये कौन सी बात हुई, समझदार है? मतलब बलि का बकरा हम है,
नहीं तो खाली मतलब आप मुझे नहीं मैं एक आम आदमी की आवाज उठा रहा हूँ। यहाँ पर टैक्स हम पे करें, बड़ी हुई कीमतें हम दें, कोरोना टेस्ट करने के लिए लाइनों में हम खड़े हों, सब कुछ आम आदमी को ही करना है, सरकारें किस लिए होती है? नहीं, आम आदमी के लिए नौकरियां हमारी जाएं। अब देखते हैं कि इससे पहले मेनस्ट्रीम मीडिया में किन मुद्दों पर चर्चा चलती आ रही थी। अगर 26 जून की बात करें तो देखते हैं मेनस्ट्रीम मीडिया में कौन से मुद्दे थे। चीनी करेक्शन की, आखिरकार इस चीनी चंदे का मामला क्या है? जी हाँ, दान घोटाला, चंदे में भी घोटाला, परिवार की मलाई, देश की भलाई। फिर एक बार राहुल गांधी फाउंडेशन के चंदे पर सवाल उठा दिया, माफ करिए, राजीव गांधी फाउंडेशन चंदे पर सवाल उठा दिया। मनमोहन सिंह ने वो पैसा सोनिया गांधी और दोनिया माइनो को क्यों दिया? क्या चीन के नाम पर सियासत का खुला मौका मिल गया है? जंग छिड़ गई है। जी हाँ, सियासी जंग। तो बार बार ये जुबानी जंग क्यों दिखाई देती है? चीन से दो दो हाथ, दुनिया हिंद के साथ। और ये देखिए, ये भी अपने आप में एक अहम पॉइंट है कि भारत अमेरिका तैयार, चीन पर दोरी मार। जी हाँ, साथ आए बलवान, चीन से घमासान। क्यों अब चीन का इलाज जरूरी हो गया है? वहीं दूसरी ओर स्कूप अनस्क्रिप्टेड के एंकर ने कोरोना काल में दिल्ली के हॉस्पिटल का मुआयना किया और कुछ लोगों से बात भी की। आइए आप भी सुनिए कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स में कोरोना पेशेंट की क्या स्थिति है। एक तारीख को पेशेंट को एडमिट किया था फादर को, और इन्होंने वो डॉक्टर जो एसएलओ साहब हैं उनसे भी बात की, उन्होंने कहा कि पेशेंट को हमने 31 नंबर वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। अच्छा, 2 तारीख को हमने 31 नंबर वार्ड में सामान भेजा, हमारा सामान रिटर्न आ गया। अच्छा, 2 तारीख से कंटिन्यू 6 दिन हो गए, आज भी हम सामान भेज रहे, लगातार भेज रहे, वापिस आ जा रहे, वो कह रहे इस वार्ड में चले जाओ, उस वार्ड में चलो, पर पेशेंट है, गायब है, मिसिंग है यहाँ से, आज 6 डेज हो गया, 6 दिन आज मैंने पुलिस को कॉल किया, पीसीआर आ रही है। आपके फादर? मेरे फादर, डॉक्टर बताने को तैयार नहीं है, सीओ साहब को बोला, सीओ साहब कह रहे हैं हमने 31 नंबर वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, एमडी साहब को भी फोन किया, एमडी साहब भी कोई रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो बैठे हैं। आप 6 दिन से सामान भेजना चाह रहे हो? 6 दिन से लगातार मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ फादर से बात करने के लिए, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, यही नहीं पता फादर है कहाँ, यही नहीं पता फादर हमारे है कहाँ, जिंदा है भी कि नहीं है, कुछ तो हमें रिस्पांस करो, 6 डेज हो गए। इसके अलावा एंकर ने कुछ और लोगों से भी बात की जिसमें लोग अपने दुख और परेशानियां बताते दिखे, जरा आप भी सुनिए। फादर मेरे चिल्लाते रह गए कि मेरे को ऑक्सीजन लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो, कोई सर उठ के नहीं आया। 4 तारीख को उन्होंने बोला था कि बेटा यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है मुझे, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप व्यवस्था करो, अपने घर के पास बतरा हॉस्पिटल है मेरे, वहाँ मैंने बात करी तो बोल रहे हैं कि हमारे पास बेड खाली है। फिर मैंने होली फैमिली में बात करी कि एक मेरा पेशेंट एलर्जी में भर्ती है, मैं आपको हॉस्पिटल में शिफ्ट कराना चाहता हूँ, क्या आप ले लेंगे? तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ भी बेड नहीं है और क्रिटिकल केस हम लेते नहीं है क्योंकि हमारे पास वेंटिलेटर आईसीयू है नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने साकेत में बात करी, साकेत में भी बोला गया कि भाई हमारे यहाँ भी बेड नहीं है, वेटिंग चल रही है, लेकिन आप अपना रिक्वेस्ट लिखवा सकते हो। वो बोल रहे हैं कि हमारे पास 2 बजे आपको कन्फर्म होगा, लेकिन 10 दिन का रखने का चार्ज जो है 4-5 लाख रुपये है, और वेंटिलेटर वगैरह लगाना पड़े तो 10 लाख रुपये का खर्चा है। 10 दिन का? हाँ, 10 दिन का। पापा बोले कि अभी रुक जाओ बेटा, अभी इन्होंने ऑक्सीजन लगा दिया है और एक दवा दे दी है इन्होंने, तो एक दो दिन देख लेते हैं, आज इलाज शुरू कर दिया है। उसके बाद सर क्या हुआ कि 9 बजे उनके बगल के बेड वाले का मेरे पास फोन आया। उनके बगल के बेड वाले? हाँ, बगल पे बेड पे जो मरीज है उसका फोन आया, वो कह रहा है कि इनकी लापरवाही की वजह से हॉस्पिटल ने कोई केयर नहीं किया, अगर ऑक्सीजन दे देते, वेंटिलेटर लगा देते तो आपके पापा ठीक हो जाते, वो तरफ तरफ के बस यही मर गए। अब बात करते हैं 25 जून को मेनस्ट्रीम मीडिया में चल रहे मुद्दों की। आइए देखते हैं मीडिया इस बार किन मुद्दों पर ध्यान दे रहा था। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से पैसा मिला। सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो को पूछो कि चीन से पैसे क्यों मिले, ये करने की क्या जरूरत थी राजीव गांधी फाउंडेशन के पास, क्या पैसे की कमी होती इस देश में? किसने पैसे लिए चीन की एम्बेसी से, आज बहुत बड़ा खुलासा आर पार के अंदर। वाकई आपके होश भागता हो जाएंगे जो न्यूज इस समय आ रही है, जो बड़ी खबरें इस समय आ रही हैं। जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है, भूमि पर अतिक्रमण जिम्मेदार कौन, क्या नेहरू? सीधा सा सवाल पूछेंगे आज। क्या आर्टिकल 370 हटने के बाद से चीन में बौखलाहट है? तो भारत ने अपनी मसल्स दिखा दी हैं, चालबाज चीन के मुंह में राम बगल में छुरी। गलवान हिंसा के बाद देश भर से ये मांग उठने लगी है कि चीनी सामान के बहिष्कार के लिए लोग आगे आए। दोस्तों, ये पैसों का खेल है, पैसों का। वहीं दूसरी ओर एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम के जरिए यूपी में कोरोना टेस्टिंग को लेकर बात की और बताया कि बाकी राज्यों के तुलना में यूपी में कोरोना टेस्टिंग के क्या हालात हैं। भारत में अभी तक करीब 78 लाख टेस्ट हो चुके हैं और 25 जून को सर्वाधिक 2,15,000 से अधिक टेस्ट किए गए। अगर आप राज्यों के हिसाब से देखें तो तस्वीर बदल जाती है। उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी 23 करोड़ है, यहां अभी तक
ट्वीट ही हो रहा है कि 20,000 टेस्ट रोज किए जाएंगे, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में 20,000 रोजाना टेस्ट नहीं हो रहे हैं। अगर 2 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में रोजाना 20,000 टेस्ट हो सकते हैं, तो क्या 23 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में रोजाना दिल्ली से कई गुना ज्यादा टेस्ट नहीं होने चाहिए थे? लेकिन यूपी ने अभी तक 6,20,000 से अधिक टेस्ट ही किए हैं। 10 लाख की आबादी पर यूपी में 2760 टेस्ट हुए हैं, जो काफी कम है। तमिलनाडु ने अब तक 10 लाख से अधिक टेस्ट किए हैं, जो देश में सबसे अधिक है। तो आपने देखा कि मेनस्ट्रीम मीडिया अपने डिबेट में या तो विपक्ष से सवाल करते दिखाई दे रहा है या चाइना की आलोचना, पर दूसरी तरफ आजाद मीडिया ने भी चाइना का मुद्दा तो अपने शो में उठाया, पर उन्होंने इस पर सरकार से सवाल किए और उनके द्वारा अन्य जरूरी मुद्दे भी उठाए गए जो मेनस्ट्रीम मीडिया में नहीं उठाए जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।